A particle starts from origin at t is equal to 0 with velocity 10 j cap and moves in xy plane with a constant acceleration 8 i cap plus 2 j cap. First, at what time is the x coordinate of a particle is 16 meter? Second, what is the y coordinate of a particle? Or for third question, kya hai? What is the speed of particle at that time? Okay, तो अपना first में ही दो question पूछे को, second एक question है. तो यहाँ पे क्या देखो, अपने को t is equal to 0 पे, यानी initially velocity अपने को दे रखा है, initial velocity u बोल सकते हैं इसको, और acceleration अपने को given है. तो इसको देखो, acceleration दो direction में, xy plane के अंदर है, तो motion भी दो direction में होगा, x direction में भी होगा, y direction में भी होगा. तो अगर x direction की बात करूँ मैं, दो motion कर लेता, एक x direction और एक y direction, ठीक है. तो x direction की बात करूँ, तो ux initial velocity क्या है x direction में, देखो ये तो y direction है, j मतलब y direction, यानी initial velocity x direction में 0 है, और uy कितना है, y direction में initial velocity कितनी है, 10 है, राइट, क्योंकि ये 10 j cap है ना, j का मतलब y direction, ओके. इनिशियल acceleration इन x direction, acceleration तो एक ही कांस्टेंट है, तो x direction में acceleration कितना, 8 है, राइट, और y direction में acceleration कितना है, 2 है, राइट. अब अपने को पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कि टाइम बताना है, टाइम बताना है जब x is equal to क्या हो जाए, 16 हो जाए, राइट, ये पूछा है ना, जब टाइम बताना है जब x is equal to क्या हो जाए, 16 मीटर हो जाए, राइट. तो यहां पे न्यूटन भाई साहब की इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करें जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो, सेकंड इक्वेशन, s is equal to ut plus half at square, राइट. अब इसमें अपन सब x वाला ही यूज करें क्योंकि अपन x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर x कितना है, 16 है, राइट, तो 16 डिस्प्लेसमेंट कितना है, 16 है, 16, ओके. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये मैं 0 लिख दूंगा, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है मेरा, 8, और टाइम मेरे को निकालना है, राइट, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 4 टाइम 4, और ये t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना 4 आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन मैं प्लस ही लूंगा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो टाइम इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट, ओके. इसी पार्ट में क्या बोल रखा है, जब टाइम 2 हो तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेस y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, जब इसी टाइम के ऊपर y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालना, यानी ये इक्वेशन अप्लाई करना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन अब y के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, y के लिए अप्लाई करना है, तो y के लिए आपको sy पता करना है, ठीक है, यानी y कोऑर्डिनेट पता करना है, तो y इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड है 10, और टाइम कितना है 2, ओके, नेक्स्ट हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2, और टाइम कितना है 2 है, राइट, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4, यानी कि 24 आ जाएगा, यानी कि जब टाइम 2 सेकंड होगा तब आपका वाई कोऑर्डिनेट किस पे होगा, 24 मीटर पे होगा, क्लियर, और एक्स कोऑर्डिनेट तो 16 मीटर पे होगा, दे रखा है, ओके. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में What is the speed of particle at that point? अब देखो यहाँ पे दो स्पीड होगी, एक तो x डायरेक्शन में भी स्पीड होगी और एक y डायरेक्शन में भी स्पीड होगी. तो मैं x डायरेक्शन की स्पीड की बात करता हूँ, v is equal to u plus at, u plus at की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो vx की बात कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना होगा, u तो 0 है और a कितना अपना 8 और t कितना है 2, यानी vx आ जाएगा आपका 16, राइट, ओके. और vy की बात करता हूँ, vy की बात करता हूँ, तो uy plus ayt, राइट, ओके, यानी ये आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 14 मीटर, ये क्या आ गया, vy आ गया, यानी अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो मेरा आएगा 16 i cap प्लस 14 j cap, ये वेलोसिटी. अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 256 प्लस 196, डेट मीन्स कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 452, यानी कि यह आ जाएगा 21.26 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड होगी, क्लियर है.